आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गेट 2019 का एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन, जो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक पे बेस्ड है। सिर्फ एक ट्रिक आपको जानना है, उसके बाद आपका बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद में बताना है कि इस स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके ट्रू है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि द रिंग जेड अंडर रूट माइनस वन इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। सेकेंड भी इसी तरह जेड अंडर रूट माइनस फाइव इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और थर्ड में कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल रिंग जेड टू एक्स आपको दिया हुआ है, तो उसमें एक आइडियल दे दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन से जनरेटेड, तो पूछ रहा है कि ये मैक्सिमल आइडियल होगा। और फोर्थ में कह रहा है कि जेड क्यूब एक्स जो पॉलिनोमियल रिंग है उसमें एक्स सिक्स प्लस वन से जो जनरेटेड है, वो जो पोलिन आइडियल है वो आपका प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, और आप पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो मैं देखिए, ये जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है इसको हम इन शॉर्ट यूएफटी बोल देते हैं, और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है इसको पीआईडी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए सिर्फ आप एक ट्रिक जाननी है, वो आपकी क्या होती है, फेपू आईडी। फेपू आईडी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये आपका शॉर्ट वर्ड हो गया। तो इसका मतलब होता है एफ यहाँ पे फील्ड को डिनोट करता है, ई से इक्लिडियल डोमेन जिसको इन शॉर्ट ईडी बोलते हैं, पी का मतलब है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यू से मतलब है यूएफडी, और आईडी का इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फील्ड जो आपका है, अगर कोई भी रिंग है या फिर कोई भी फील्ड है, वो आपका ईडी होगा इक्लिडियल डोमेन, इक्लिडियल डोमेन है तो वो आपके प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा, और अगर पीआईडी है तो वो यूएफडी होगा, और यूएफडी है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। अब इसकी नेगेशन देखते हैं। तो नेगेशन का मतलब होता है कि अगर पी इम्प्लाई क्यू, इसका मतलब नोट क्यू इम्प्लाई नोट पी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर नेगेशन देखेंगे तो मतलब नोट आईडी इम्प्लाई नोट यूएफडी, और नोट यूएफडी इम्प्लाई नोट पीआईडी, नोट पीआईडी इम्प्लाई नोट ईडी, एंड नोट ईडी इम्प्लाई नोट फील्ड। ठीक है, तो इस फेपू आईडी में आपका वन में और इसका नेगेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये तो आपका फेपू आईडी का कंसेप्ट था, और इस पे अगर आप ज्यादा देखना चाहें तो हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट आपका काम आएगा, और दूसरा आप कौन से रिंग की बात कर रहा है, जेड अंडर रूट माइनस वन। तो इसमें जो दूसरा फैक्ट है वो जो काम करेगा आपका जेड अंडर रूट डी जो होता है, वो आपका यूएफडी होता है, कब, इफ एंड ओनली इफ डी इक्वल टू माइनस वन और माइनस टू के केस में, अदरवाइज ये यूएफडी आपका नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इन दो कंसेप्ट से हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि द रिंग जेड अंडर रूट माइनस वन इज ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। बिल्कुल इस वाले रिजल्ट से डी इक्वल टू माइनस वन के केस में आपका ये यूएफटी हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू है। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारा जो ऑप्शन डी है यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो रिंग जेड अंडर रूट माइनस फाइव है वो आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ठीक है, और इस वाले रिजल्ट से हम देखें तो आपका जेड अंडर रूट माइनस फाइव जो है वो यूएफटी नहीं है। ठीक है, तो यूएफटी नहीं है तो फेपू आईडी वाले ट्रिक से आपका ये नोट पीआईडी हो जाएगा। सो यहां से आपका नोट पीआईडी हो गया, इसका मतलब है कि आपका जो स्टेटमेंट नंबर टू है वो भी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शंस में आइए, ऑप्शन नंबर ए में भी सेकेंड ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन सी में भी सेकेंड ट्रू है, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी भी डिस्कार्ड हो गए, आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ बी।